गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल स्टे ब्यूटीफुल विद मी। और आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी रेमेडी जो कि आपके फेस से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स को का सलूशन है। आप इसे एज ए फेस क्लेंजर भी यूज कर सकते हैं, एज ए फेस मास्क भी यूज कर सकते हैं, एज ए फेस स्क्रबर भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, 3-in-1 का काम करेगी। तो जो मैंने इसमें इंग्रेडिएंट यूज किए हैं वो आपकी जो फेस की जो स्किन है उसको यंगर दिखाने में हेल्प करती है, आपको इवन टोन स्किन देती है, यंगर स्किन देती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपके फेस के जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे ये फाइट करती है, फ्री रेडिकल्स से फाइट करती है, फ्री रेडिकल्स को ये स्टॉप करती है। और इसके साथ साथ में ही आपको मिलेगी यंगर और हेल्दियर और प्रॉब्लम फ्री स्किन। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि ये रेमेडी है क्या। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे रेड कलर का एक सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा होगा, आप अगर उस पर क्लिक करते हैं तो सब्सक्राइब हो जाएगा। उसी के पास में एक नोटिफिकेशन बेल आ रही होगी, उसको अगर आप प्रेस करते हैं तो आपको पता चलेगा कि मैं अपने वीडियोस कब अपलोड कर रही हूँ, जिससे आप वीडियोस को देख पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है या फिर बेनिफिशियल लगता है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए आइए वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि एक रेमेडी जो है वो है क्या। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए कर्ड योगर्ट। यहाँ मैंने दही लिया है, ये घर का बनाया हुआ कर्ड है, तो मैंने यहाँ पे अप्रॉक्स 1 स्पून के आसपास यहाँ पे कर्ड लिया है। कर्ड में विटामिन सी, जिंक और कैल्शियम होता है जो आपकी स्किन को रिंकल फ्री करता है। इसमें लैक्टिक एसिड होता है जो इवन स्किन टोन देता है। ये नेचुरल मॉइस्चराइजर है जो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल प्रॉपर्टीज होती हैं जो स्किन की प्रॉब्लम से फाइट करती हैं। ये आपकी स्किन को यंगर बनाने में हेल्प करता है, स्किन से आपकी सारी डर्ट और इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है। नेक्स्ट यहाँ मैं ले रही हूँ लेमन जूस। मैंने यहाँ पे 1/4 स्पून के आसपास यहाँ पे लेमन जूस लिया है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। लेमन जूस विटामिन सी का रिच सोर्स होता है जो डार्क स्पॉट्स को लाइटन करता है, इवन स्किन टोन देता है, फ्री रेडिकल्स को ब्लॉक करता है और आपके स्किन से सारी डर्ट और इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है। इसको यूज करने का तरीका है कि आप अपने फेस को वेट करने के बाद में अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिए और 10 से 15 मिनट तक के लिए सूखने के लिए छोड़ दीजिए। इसको पूरी तरीके से सूखने नहीं देना है, जब ये पार्शली सूख जाए, मतलब थोड़ा सा गीला रह जाए हो, तभी आपको इसको रब करना स्टार्ट कर देना है, यानी कि स्क्रब की तरह आपको इसको मसल के इसको बाहर निकाल देना है कि आपके फेस से सारी इम्प्योरिटीज और डर्ट जो है ना वो बाहर निकल चुकी है। तो देखा आप सब लोगों ने कितना इजी था इसको बनाना। मैं ऐसी ही रेमेडीज लेकर आती हूँ जो इजी टू मेक हो और इजी टू यूज हो, जिनको बनाने में ज्यादा झंझट ना करना पड़े और आप जिन्हें इजीली यूज कर सकें। ऐसी ही बहुत सारी रेमेडीज मैं आगे भी आपके लिए लाती रहूंगी। तो देखा आप लोगों ने कितना इजी था इसको बनाना और कितना इजी था इसको यूज करना। तो आप इसे यूज कीजिए और अपना एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ में शेयर कीजिए। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।